तो इस एपिसोड की शुरुआत है भाई जिंगे नाम का जो सेठ यहाँ पे था, वही सेठ जिससे हुआ बिलोंग करता है। उस सेठ का जो लीडर है ना, उसके पास हुआ का खबर यहाँ पर आता है। ये भी कहता है यार इस खबर मुझे आई, उस खबर में लिखा हुआ है कि जो एक नया लड़का डुगू फैमिली के यहाँ पे मिला है, जो कि माउंटेन को क्लाइंब यहाँ पे किया जा रहा है और काफी आगे आ चुका है। इसका बेटा कहता है क्या बात कर, सच्ची में डुगू फैमिली में जो भी नए नए बंदे आते हैं ना, सब एक से बढ़कर एक यहाँ पे होता है। बताओ यार वो माउंटेन के कितने ऊपर यहाँ पे गया है। तो जैसे एग्जैक्ट लोकेशन पता करने की कोशिश करता ना, एकदम चौंक जाता है, क्योंकि जब तक इसको आइडिया लगे हमारा मेक अटन जा चुका था, सबसे टॉप पर जा चुका था। हमारा मैं कड्डा भी देखता हूँ कि सबसे टॉप पर आ चुका हूँ, और सामने एक बड़ा सा पत्थर था जिस पत्थर के ऊपर जो हेवन लिस्ट यहाँ पर ना, हेवन लिस्ट का जो नंबर वन बंदा था लाई जांग, जिसका नाम है जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मैन भी है। हाँ, तो बेसिकली उसका नाम इसके ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ था, और साथ ही में उसकी हैंड राइटिंग में कुछ ऐसा टेक्निक के बारे में लिखा हुआ था। हमारा मैं कड्डा भी देखता हूँ, और उसके अलावा ना दूसरा मैं बंदा हूँ जो कि यहाँ पर आ चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा बोले तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। इसके स्वॉर्ड एंटेड में जो पावर है ना, वो भी ऑब्जॉर्व कर सकता, मुझे और फायदा मिलेगा, तो बैठ के अब्जॉर्ब करने लग जाओ। हाँ, तो कुछ समय बाद आते भाई वापस ये सेठ की ओर, जहाँ पे बेटा भी कहता बजान क्या हो गया, अच्छा ना सब हिल काय को गए। ये भी कहता क्योंकि बेटे तुम खुद देख लो, तुम भी हिल जाओगे। लाइव लोकेशन है ना यहाँ से दिख जाता है, इन शॉर्ट भाई पूरा समझो वीडियो कॉल जैसा दिख जाता हमारा मेकेटर जो कि टॉप पर आ चुका था। जो देखे लोग चौंक जाते, अच्छा यही है क्या डुगू फैमिली का मेंबर, यार ये एकदम अचानक से टॉप पे कैसे चला गया, जबकि हवेली लिस्ट का जो नंबर वन का बंदा जो दुनिया का सबसे स्वॉर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मैन माना जाता है, वो यहाँ पे जा चुका है, और ये भी यहाँ पे जा चुका है। लीडर यहाँ पे बताता है मेरे बेटे और मेरे तीनों डिसाइपल, मानना पड़ेगा भाई तुम तीनों बड़े कमाल के हो, तुम चारों कमाल के हो, लेकिन ये लड़का तुमसे ज्यादा कमाल का है। ये लोग कहते हैं कि बंदा था इनके फैमिली का, क्या नाम था भाई उसका, डुगू जी यार, जिसको लोग स्वॉर्ड गॉड भी कहते थे, वही अब तक का काफी स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा इनके फैमिली का माना जाता है। तो मुझे बताइए जब इसकी उम्र का था, इसके बराबर लेवल का था, क्या वो उस समय चढ़ाई कर दिया था उसने। ये कहता है कि नहीं यार कोई भी नहीं, ये जो अभी नंबर वन के पर है ना, वो भी नहीं कर पाया था इसकी उम्र इसके टाइम पर। तो सोचो भाई जब ये और हायर अप होगा तो और कितना जा सकता है। ये लोग कहते यार मानना पड़ेगा कोई ज्यादा जीनियस है, हमको तो इससे जलन हो रही है। उतने में इनका ध्यान जाता हमारे मेकर टाइप वापस जाने को तैयार था। वापस जाने से पहले ना वो भी कुछ यहाँ पे लिख रहा है, अबे साले की इतनी औकात कि भाई जाने से पहले वो भी यहाँ पे लिखेगा। ये भी कहता है ऑफकोर्स भाई लिखने दो, भाई लिखने दो, देखते भाई वो क्या लिखता है। तो आई डोंट नो उसने क्या लिखा था, कुछ आलतू फालतू बातें ही लिखी थी। और वापस यहाँ पे जाने से पहले सोचता क्यों ना भाई मुझे गुफा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस गुफा में जाके चेक करता हूँ शायद मुझे कुछ यहाँ पे मिल जाए। तो जैसे गुफा के अंदर यहाँ पे जाता ना, एक कमाल का सॉर्ड यहाँ पे दिखा देता है, जो भी एक होली वेपन यहाँ पे था, देख के दीवाने की ओ माय गॉड यार एक होली वेपन है। लेकिन एक सेकंड, मेरे से पहले वो लाई जांग यहाँ पर आया था, तो जाहिर सी बात है उसने भी सॉर्ड यहाँ पे देखा होगा, तो वो सॉर्ड अपने साथ काई को लेकर नहीं गया। तभी एक लड़की की आवाज आती है ये कहते हुए, क्योंकि वो ये सॉर्ड चला ही नहीं सकता था तो लेके कैसे जाता, ये भी कंफ्यूज भाई कौन है। तो सामने से ना सॉर्ड की जो स्पिरिट यहाँ पे थी ना, वो यहाँ पे थी, वो कहती है भाई मैं यहाँ पर हूँ सॉर्ड की सिरिप, और मैं यहाँ पे बातचीत कर रही हूँ, कसूर हो तुम नौवे बंदे हो जो कि यहाँ पर अभी तक आ चुके हो। तो इतने लंबे समय बाद किसी और को देखकर अच्छा लग रहा है। हमारा मेक कटा का देख सर नौ बंदा हूँ क्या यार, मुझे लगा दूसरा बंदा हूँ लाई जांग ना, शायद मुझे लगा लाई जांग के अलावा दूसरा मैं हूँ। ये सामने से बताते नहीं भाई तू नौवा बंदा है, और लाई जांग यहाँ पे आठवां बंदा था, उससे पहले जो सात बंदे यहाँ पे आए थे ना वो सारे के सारे बंदे यहाँ पे ग्रेट एम्पायर लेवल के थे, और ये यहाँ पे हाफ एम्पायर लेवल का था लाई जांग, और सारे बंदे में तो सबसे वीकेस्ट यहाँ पर है, क्योंकि तू अभी अवेकिंग स्टेज पर, इतना वीक है ना एक ही मौके में तेरी जान निकाल ले सकती हूँ। ये भी कहता हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ मेरे से पहले जो आठ बंदे यहाँ पर आए थे यार क्यों उन्होंने सॉर्ड यहाँ पे काय को नहीं लिया, और लाई जांग ने काय को नहीं लिया। ये बता दे कि मैं जो ग्रेट एम्परर है ना, ग्रेट एम्परर बड़े कमाल के होते हैं, उनके लिए जो मैं हूँ ना मैं एकदम चाय में पानी का मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे चूस नहीं किया। रही बात लाई जांग, वो तो ग्रेट एम्परर नहीं था, वो तो हाफ एम्परर यहाँ पे था, उसने काय को नहीं लिया क्योंकि उसका जो सॉर्ड का जो है ना समझ वो यहाँ पे काफी कम यहाँ पे था, उसके हिसाब से मैं ना उसके लायक यहाँ पे नहीं थी, इसके लिए उसने मुझे चूस यहाँ पे नहीं किया, इसलिए अभी तक ना अपन यहीं पे अटकी पड़ी। लेकिन तुम्हारे में बात यहाँ पर, तुम शायद ना मुझे लेके जा सकते हो, तुम बाकी उसे अलग हो। ये कहता क्यों, क्योंकि बाकी के मुकाबले मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। ये कद्दू मेरा यार हैंडसम की बात यहाँ पर ये सॉर्ड एंटेड के ना सात अलग अलग टाइप यहाँ पे होते हैं, और जो लाई जांग यहाँ पे था ना उसने एक ही यहाँ पे अभी तक अच्छे से मास्टर किया था, जिसकी वजह से वो चाह के भी मुझे ले जा पाया नहीं। और सेकंड भाई तुमने टोटल पांच यहाँ पे मास्टर कर लिया है, ये कहता है पांच मैंने मास्टर कर लिया, सात यहाँ पे होता है, यानी तो अभी भी बाकी है। बताओ यार बाकी दो कौन सा है, ये कहते आई डोंट नो, ये जब से मैं पैदा हुई ना मुझे लिटरली कुछ समझ ही नहीं आता, जो बाकी दो ना खुद ही पता कर और खुद ही मास्टर यहाँ पे कर। ये भी कहता चलो ठीक है भाई तो बाय, वो भी कहती है भाई इतना जल्दी से निकल जाएगा, अबे दो चार दिन और टाइम गुजार के जाए यार, अकेले अकेले में बोर हो जाती हूँ यार। वो जो लाई जांग गया था ना वो भी जैसे उसको मालूम चला कि उसने एक ही सॉर्ड एंटेड यहाँ पे मास्टर किया है, तो वो भी मुझे ऐसे छोड़ के चला गया। ये भी कहता जाहिर सी बात है भाई दो चार दिन यहाँ पे रुके, कौन पागल आदमी टाइम वेस्ट यहाँ पे करना चाहेगा, डोंट वरी बाकी जैसे दो सॉर्ड एंटेड मास्टर यहाँ पे करूंगा ना मैं आऊंगा और तुमको अपने साथ लेके जाऊंगा। इतना बोल के वहां से निकल जाता है।
तो जैसे बाहर यहाँ पे फिर निकलता है ना, तो वही हुआ सामने आता है, वो कहता है भाई यार मानना पड़ेगा मैं लड़की यहाँ पे नहीं हूँ, अगर लड़की यहाँ पे होती ना तो भाई मैं खोल के तुझे देने को तैयार हो जाता। तो यही इतना कमाल का बोल भाई, जब तुम टॉप पे यहाँ पे गए थे ना तो तुम कितना आगे यहाँ पे चले गए, या तुम आधे से ज़्यादा ऊपर तो जा चुके रहोगे। ये कहता आधे से ज़्यादा, अगर मैं तुझे ये बोलूँ मैं सबसे जो टॉप होता है ना मैं सबसे टॉप पे चला गया तो क्या तुम मेरी बात का विश्वास यहाँ पे करोगे? तो ये सच्ची में विश्वास नहीं करता। और कहता चलो बे यार कुछ भी बकवास यहाँ पे मत करो, यार नहीं बताना तो मत बताओ क्या झूठ भी कह रहे हो कि भाई टॉप पे यहाँ पे चलेंगे। वो सारी बातें छोड़ो, वो जो भाई था ना यार उसने तुम्हारे साथ ना चैलेंज करने के लिए ये रख दिया है और तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार यहाँ पर हो, जल्दी से जाओ और फाइट करो। ये कहता नहीं यार मैंने देख लिया भाई ये ना नल्ला बेरोजगार यहाँ पर है, उसके साथ फाइट करके मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो कुत्ते की मौत हारेगा। ये कहता आई नो लेकिन तुझे ना चाह के भी फाइट करना पड़ेगा क्योंकि यार उसने तेरे बारे में ना बातें फैला दी है कि चैलेंज हो गया, ऐसे में अगर तू चैलेंज करने के लिए नहीं जाएगा तो तेरा नाम की बदनामी हो जाएगी, डूगू फैमिली के नाम की बदनामी हो जाएगी। तो ये भी कहता हुआ यार साले ने बहुत ज्यादा दिमाग यहाँ पे उसकी, वो सारी बातें छोड़ो बाई चांस मान लो मैं फाइट करने गया वहां पे जो मिस्टीरियस रैंकिंग के बाकी जो टॉप फाइव के बंदे यहाँ पर है उनमें से कोई आएगा क्या? ये भी कहता कि हाँ हमारे सेट के दो मेंबर यहाँ पर आएंगे और दोनों मेंबर है ना उस लिस्ट में आते हैं। ये भी कहता बहुत ही बढ़िया हुआ, कहता एक सेकंड बहुत ही बढ़िया ऐसा मत बोलो तुम उनके साथ फाइट करना चाहते हो। ये भी कहता ऑफकोर्स ये भाई छठे नंबर पर आता है ये कुछ खास यहाँ पे नहीं है, लेकिन भाई ये जो बाकी दो बंदे तुम्हारे सेट के आ रहे वो टॉप फाइव के अंदर आते हैं तो इनके साथ चैलेंज करूंगा इनको हराने में मजा आएगा। अब आते भाई भाई केवल जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रहा था नौकर आता है और कहता सुनिए वो जो लड़का यहाँ पर डोगो फैमिली का फाइनली माउंटेन के बाहर यहाँ पर आ चुका है और सिटी की ओर यहाँ पे बढ़ रहा है, अभी अभी हमारी जासूस ने खबर दी है। तो ये भी कहता साला फाइनली यहाँ पे आ ही चुका है। तो नौकर ये भी कहता लेकिन सुनिए यार आप आधे महीने तक ना सॉर्ड को अपना ब्लड देकर अपना एसेंस देकर ना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना रहे थे जिससे आपका जो फाउंडेशन है ना आपका फाउंडेशन यहाँ पे वीक हो चुका है, अगर आप लड़ाई करने जाओगे भी और जीत भी जाओगे ना आपका फाउंडेशन वीक होने के चक्कर में ना आपका भी नुकसान होगा तो क्यों ऐसा कर रहे हो? ये कहता फैमिली की इज्जत के लिए मैंने चैलेंज कर दिया और फैमिली के लिए कुछ भी इतना बोलकर फाइट करने के लिए तैयार था। अब आते भाई बैटल अरिना में जहाँ पे जो बंदे थे ना बंदे भी एक्साइटेड को माई गॉड डूगो फैमिली का लड़का प्लस भाई जो कि छठे नंबर पर आता मिस्टीरियस रैंकिंग में, देखते हैं भाई उनमें से कौन यहाँ पे जीतेगा और कौन यहाँ पे हारेगा। मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पे मैच देखने के लिए। और एक सेकंड यार वो तो जिंगे सॉर्ड करे ना वो दो डिसाइपल यहाँ पर है ये भी टॉप फाइव के अंदर में आते हैं और साथ ही में ना सन आउटियन भी आया था जो कि सातवें नंबर पर आता है, तो सन आउटियन उन दोनों को देखते हैं। और इधर सुनो यार बाकी दो जो अपोनेंट है भाई डोगो फैमिली वाला और साथ ही में भाई उनको आने में टाइम लगेगा, जब तक भाई तुम दोनों मेरे साथ यहाँ पे फाइट करो। वो लोग कहते हैं सुनो भाई तुम सातवें नंबर पर आते हो और हम दोनों भाई टॉप फाइव के अंदर यहाँ पे आते हैं, तुम्हारी रैंकिंग यहाँ पे कम है तो क्यों जबरदस्ती फाइट करना चाहते हो? सन आउटियन कहता भाई ज्ञान क्या पे रहा भाई फाइट करना था चुपचाप फाइट कर, ये ले बिना पूछ परमिशन मांगे अटैक कर देता है। तो ये भी सामने से अटैक रोकता है और कहता है एक सेकंड लौंडे तेमे ज्यादा दाम यहाँ पे नहीं है लेकिन तेरे हाथों में जो वेपन है ना वो वेपन यहाँ पे कमाल का है, ये कहाँ से मिला तुझे? ये बताता है 1000 डेमन बैटलफील्ड में गया था वहाँ पे मिला था, उस समय तो लो ग्रेड का था लेकिन मैंने अपना ब्लड देकर और बहुत इसको स्पेशल बना दिया है, तो बोलो तुम्हारे साथ लड़ने के लायक हूँ या नहीं हूँ? ये लोग कहते हैं वेपन आने के बाद ना तू हमारे साथ लड़ने के लायक बन चुका है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।